हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। इस वीडियो में हम लोग एचएसएलसी एग्जामिनेशन 2017 का जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर फुल्ली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, डेट मीन्स 2021 के क्वेश्चन पेपर के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और मैं एचएसएलसी एग्जामिनेशन 2021 का जनरल साइंस का स्पेशल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करा दिया हूं और उस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉमन आ सकते हैं। सो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। और मैं प्री बोर्ड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर साइंस का मैं सोल्व करा दिया हूं और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पेपर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कॉमन आएंगे ही। देखा गया है कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कॉमन आते ही हैं, ऐसे मैथ्स में भी देखा गया है और कई सालों से मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए उस क्वेश्चन पेपर को भी मैं सोल्व करा दिया हूं। अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा ही। और मैं एचएसएलसी एग्जामिनेशन 2019 का क्वेश्चन पेपर को फुल्ली सोल्व करा दिया हूं और 2018 का क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करा दिया हूं, 16 का भी सोल्व करा दिया हूं, 20 का भी सोल्व करा दिया हूं। तो वो सब क्वेश्चन पेपर अभी तक सोल्व नहीं किए हैं आप और वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। वो सारे देखने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है और आपके एग्जाम में उसमें से 100% क्वेश्चन कॉमन पड़ेंगे ही। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह 2017 का जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 1, यह आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग मींस आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl। जब आयरन HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, FeCl2 बनाएगा और प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है। तो Fe क्या करेगा, Fe हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया और क्या बना, तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए किस टाइप का मेडिसिन यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एंटा एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विग्रेसली विथ ऑक्सीजन। इसमें से कौन सा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, तो आंसर क्या हो गया, सोडियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम जो है वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो सोडियम जो होगा आंसर आपका, सोडियम क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, इसलिए सोडियम को किरोसिन ऑयल में डिबाकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एन एटॉम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी केमिकली सिमिलर। एटॉमिक नंबर आर गिवन इन द पैरेंथेसिस, मींस यह 287 किसका होगा, 287 17 हो गया, 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है, ठीक है। तो इसके सिमिलर यहां बताना है कि इस ऑप्शन में से किसका होगा, तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यह 7 है तो पहला सेल में 2, दूसरा में 5। या 9 है तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में कितना बचा, 7। या 15 है तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8 और 10 हो गया, तीसरा सेल में 5। या 18 है तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा में 2, 8, 10 और 8, 18 हो गया। तो यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसके लास्ट में क्या है, 287, लास्ट में 7 है, लास्ट में क्या है, 7 है, माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो यह ऑप्शन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा वही क्या होगा, केमिकल सिमिलर होगा। तो आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि बी जो है फ्लोरीन 9 होता है, 2.7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है तो उसके सिमिलर यही हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंट्रीब्यूट इन 1 सेकेंड इन कॉजिंग 1 माइक्रो एम्पियर ऑफ करेंट। 1 माइक्रो एम्पियर करेंट में कितना इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा इन 1 सेकेंड। तो देखिए
वन माइक्रो एम्पियर, तो याद रखिएगा वन माइक्रो एम्पियर इक्वल टू क्या होता है 10^-6 एम्पियर होता है, ठीक है। तो 10^-6 और एम्पियर, और हम लोग जानते हैं ना कि आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, आई मीन्स वन एम्पियर आई का यूनिट, और क्यू होता है क्यू का यूनिट होगा वन कूलम, और टाइम का हो जाएगा वन सेकेंड, मीन्स वन कूलम इक्वल टू क्या होता है, सॉरी वन एम्पियर इक्वल टू क्या होता है वन कूलम बाई वन सेकेंड, वन एम्पियर इक्वल टू क्या होता है वन कूलम बाई वन सेकेंड। तो क्वेश्चन ने बोला है इन वन सेकेंड, तो इन वन सेकेंड कितना होगा वन कूलम हुआ, तो यहां लिख सकते हैं 10^-6 इन एम्पियर है, तो एम्पियर क्या लिख सकते हैं हम लोग वन कूलम इन वन सेकेंड, तो वन कूलम लिख दीजिए कि क्वेश्चन में इन वन सेकेंड पूछा है। तो 10^-6 इंटू वन कूलम, वन कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग जानते हैं कि वन कूलम में 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, कितना होता है 6.25 इंटू 10^18 कितना होता है 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहां हो गया आपका 6.25 इंटू 10^18 में से 10^6 माइनस हो गया, तो 10^ कितना बचेगा 12, तो आपका आंसर कितना हो गया 6.25 इंटू 10^12 इलेक्ट्रॉन। कभी कभी एग्जाम में 6.25 नहीं देता है, सिर्फ 6 दे देता है, 6 × 10^12, तो ये भी होगा, क्यों, क्योंकि 1 कूलम में 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कभी कभी 6 × 10^18 इलेक्ट्रॉन भी दे देता है ऑप्शन में, ठीक है, 1 कूलम का वैल्यू। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6.25 इंटू 10^12। क्वेश्चन नंबर 6 या सिलेबस में नहीं है, ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमोस्फियर प्रिवेंट्स, ओजोन किसका किससे रक्षा करता है हमें, तो क्या होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, आंसर क्या होगा सी यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यह सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से कौन सा नहीं है, तो देखिए सन रिन्यूएबल है, विंड भी रिन्यूएबल है, वाटर भी है, आंसर क्या हो जाएगा सी, सी क्या है फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, डेट मीन्स नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एंजाइम विच कन्वर्ट्स स्टार्च टू सिंपल शुगर, आंसर क्या होगा एमाइलेज, एमाइलेज जो एंजाइम है वह क्या करता है कन्वर्ट करता है स्टार्च को किसमें शुगर में, या क्वेश्चन पूछ सकता है नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन सेलिवा, तो सेलिवा में एमाइलेज ही एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द हार्मोन विच कॉजेज विलिंगटन्स ऑफ लीव्स, यह सिलेबस में नहीं है, सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन, आंसर क्या हो गया अफ्रीका, क्वेश्चन नंबर 11 सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, 1, 2, 3, 4 दिया हुआ, इसमें से कौन सा है सेम होमोलोगस सीरीज, तो देखिए सी 3 है, और 3 का 2 × 6 होता है, 2 + 8 मीन्स ये एल्केन है, इसका 2 × 2 है, इसका मतलब ये क्या है एल्केन है, ये 4 है और ये 8 है, 2 × है, इसका मतलब एल्कीन है, 4 है और उसका 2 × 8 और 2 कम है, इसका मतलब एल्काइन है, और 3 × 2 = 6 है, इसका मतलब एल्कीन है, तो देखिए ये भी एल्कीन हो गया 2 × अभी एल्कीन हो गया 2 × मीन्स ट्वाइस, कार्बन 4 है तो इसका ट्वाइस हाइड्रोजन हो गया 8, कार्बन 3 है तो इसका ट्वाइस हाइड्रोजन हो गया 6, तो जो ट्वाइस होता है जो 2 × होता है उसको बोलते हैं एल्कीन, तो यह दोनों क्या है एल्कीन फैमिली का है, कौन सा फैमिली का है एल्कीन फैमिली का है, तो इसमें से होमोलोगस सीरीज क्या हो गया, आंसर हो गया आपको दिस कोमा दिस, इन चारों में से सेम होमोलोगस मीन्स एल्कीन फैमिली का है C4H8 एंड C3H6। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विथ टॉल एंड ड्रॉफ पी प्लांट्स विच फ्यूचर इज डोमिनेंट, आंसर क्या हो जाएगा टॉल फ्यूचर इज डोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्व्स,
तो आंसर हो गया वन नंबर स्पाइनल नर्व्स, नंबर टू क्रैनियल नर्व्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ द लाइफ ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज प्रोलॉन्ग्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाय फिलिंग विथ अनरिएक्टिव गैस लाइक आर्गन और नाइट्रोजन। उसके अंदर में जो अनरिएक्टिव गैस है, जो अक्रिय गैस है आर्गन नाइट्रोजन, इसको भरा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टेक 2 ग्राम ऑफ कैल्सियम ऑक्साइड इन ए बीकर, स्लोली एड वाटर टू इट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए कैल्सियम ऑक्साइड लेंगे और उसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द चेंज इन टेम्परेचर, द टेम्परेचर विल राइज। टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। और रिएक्शन क्या होगा, तो कैल्सियम ऑक्साइड CaO प्लस इसमें वाटर ऐड किए तो बन गया CaOH2, कैल्सियम हाइड्रोक्साइड मींस बुझा हुआ चूना, ठीक है। आगे बढ़िए और मैं दिया क्वेश्चन, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट इज रिड्यूस्ड। तो देखिए इस रिएक्शन में Na+O2 बन गया है Na2O। तो देखिए Na जो है सोडियम, इसमें ऑक्सीजन प्लस हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन प्लस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। डेट मीन्स Na इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि Na में क्या हुआ है, ऑक्सीजन प्लस हुआ है। और यह O2 था और बाद में जल के एक O बन गया है, मीन्स O कम हुआ है। जब O कम हुआ है तो उसको बोलते हैं रिड्यूस, तो O2 इज रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन प्लस हो जाएगा तो ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड। तो Na में ऑक्सीजन प्लस हुआ है तो इसका मतलब Na इज ऑक्सीडाइज्ड, और O2 से ऑक्सीजन कम हुआ है इसका मतलब O2 इज रिड्यूस्ड। नंबर टू देखिए, CuO+H2 बिकम्स Cu+H2O। तो देखिए CuO था, इसमें ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन हट के Cu बन गया, तो ऑक्सीजन यहां से हट गया, इसका मतलब क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो CuO इज रिड्यूस्ड। H2 था, अब इसमें ऑक्सीजन प्लस होकर H2O बन गया, इसका मतलब H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में आएगा ही। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मींस BaCl2, सोल्यूशन बोल दिया है तो एक्यू। सोडियम सल्फेट इन वाटर, मतलब एक्वस हो गया, सोल्यूशन हो गया सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस। दोनों जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा, Na यहां जाएगा, Ba वहां जाएगा, तो BaSO4 प्लस 2NaCl, बैलेंस कर दिए। उसके और में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मींस NaOH एक्यू एक्वस, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन मींस HCl, सोल्यूशन बोलते एक्यू एक्वस, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मींस NaCl, सोल्यूशन मींस एक्वस, एंड वाटर मींस H2O लिक्विड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यू आर गिवेन टू सोल्यूशन ए एंड बी, द pH ऑफ सोल्यूशन ए इज 3 एंड pH ऑफ सोल्यूशन बी इज 8। ए का pH वैल्यू 3 है और बी का pH वैल्यू 8 है। व्हिच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, व्हिच ऑफ दिस सोल्यूशन इज एसिडिक एंड व्हिच इज बेसिक। तो याद रखिएगा, जो हम लोग का जो pH स्केल होता है क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है, और बीच में 7 होता है न्यूट्रल। 7 से जो ज्यादा होगा 8, 9, 10 उसको बोलते हैं बेस, और 7 से कम होगा 6, 5, 4, 3 उसको बोलते हैं एसिड, ठीक है। तो 7 से कम होगा तो उसको बोलेंगे एसिड। देखिए ए का क्या है, 3 है, मैंने 7 से कम है इसका मतलब एसिड हो गया। आंसर क्या हो गया, व्हिच सोल्यूशन इज एसिड, आंसर हो गया ए, ए इज एसिडिक, ए इज एसिडिक, क्यों, क्योंकि ए का पीएच वैल्यू क्या है, कम है। और 7 से जिसका ज्यादा होगा वो क्या बोलेंगे, उसको बेस। तो बी का 8 है, बी क्या है, 8 है, इसका मतलब बी इज बेसिक, बी क्या हो गया, बेसिक, क्यों बेसिक होगा, क्योंकि इसका 7 से ज्यादा है। अब देखिए क्या बोला इसमें, व्हिच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होता है, जो ज्यादा एसिड होता है एसिडिक, उसी का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो बी तो बेसिक है, ठीक है, और ए क्या है, एसिडिक है, ए एसिडिक है, इसका मतलब ए में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आंसर हो गया व्हिच सोल्यूशन, आंसर हो गया ए हैज, कैपिटल ए, ए सोल्यूशन, ए सोल्यूशन ए हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन 19 देख लीजिएगा, 20 का ए सिलेबस में नहीं है। देखिए बी नंबर,
ड्रॉ अ डायग्राम टू शो एंगल ऑफ डिविएशन ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रेंगुलर ग्लास प्रिज्म। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही है। यह आपका पेज 192 इंग्लिश मीडियम का बुक में मिल जाएगा, नहीं तो पेज नंबर 213 हिंदी मीडियम का बुक में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ देखते हैं, यही है पेज नंबर 192 इंग्लिश मीडियम का बुक है। तो देखिए यह ग्लास प्रिज्म है, इसमें यह हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। यह क्या हो गया आपका, यह एक नॉर्मल हो गया, मीन्स परपेंडिकुलर हो गया। ये जो लाइन है इस पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ से एक रे जा रहा है, डेट मीन्स इंसिडेंट रे है। क्या है, यह इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे ये एयर से जा रहा है, जैसे ही ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, तो क्या होगा, रेयर से डेंसर मीडियम जब इंटर करता है तो क्या होता है, रे ऑफ लाइट जो नॉर्मल है ना, उस नंबर के नॉर्मल की तरफ क्या होता है, झुकता है। इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या होगा, बेंड होगा। तो एक्चुअली ये जाना चाहिए सीधा, ऐसे जाना चाहिए इसको सीधा, यह इंसिडेंट रे है, इसको जाना चाहिए सीधा, बट सीधा नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, यह बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड होकर चला गया। फिर यहां में आपका एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए, नॉर्मल ड्रॉ किए हमें, और जब यहां से ये जा रहा था इंसिडेंट, अब यह इंसिडेंट रे हो गया, अब यह कहां में है, डेंसर मीडियम में है। जब इससे बाहर निकलेगा रेयर मीडियम में, तो क्या होगा, यह नॉर्मल से दूर हटेगा, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से क्या हो गया, दूर हट गया, ये नॉर्मल था, नॉर्मल से दूर हट गया। तो देखिए ये जो बाहर एंट्री किया, ये जो ग्लास में जो एंट्री कर रहा था, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसको जो आगे प्रोड्यूस करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको इंसिडेंट रे ही बोलेंगे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। लेकिन यही रे जब ग्लास प्रिज्म में इंटर किया, बाद में फिर निकला, तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, क्या बोलते हैं हम लोग, इमर्जेंट रे। तो यह इमर्जेंट रे है, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो यह इंसिडेंट रे के साथ में एक एंगल बनाएगा डी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21 का ये देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 2×10⁸, मींस यह भी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, या भी एम मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, भी एम का वैल्यू दिया हुआ है 2×10⁸। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एम लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का फॉर्मूला होता है एन एम इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी। सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और वी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, वी एम का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो देखिए सी का वैल्यू कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, सी कितना होता है 3×10⁸ होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइड वी एम, वी एम का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, 2×10⁸ दिया हुआ है, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, 10 का पर 8 कैंसिल हो गया, और 3 by 2 डिवाइड करने कितना है 1.5, दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। 21 का भी सिलेबस में नहीं है। 22 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोलेनोइड, ठीक है, मैं इसका आंसर लास्ट में सबका आंसर दे दूंगा, ठीक है। 23 का ए देख लीजिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका भी आंसर दे दूंगा मैं, यह सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला, देखिए टू एलिमेंट्स ए एंड बी हैव एटॉमिक नंबर 12 and 17, मींस ए का है 12 और बी का है कितना है 17। तो ए का 12 है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ए एंड बी। तो ए का 12 है तो क्या हो जाएगा 2, 8, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और बी का 17 है तो कितना हो जाएगा 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब क्या बोला है, व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड ए एंड बी विल फॉर्म, ए और बी कौन सा बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए ए क्लास में 2 है, 2 का मतलब मेटल, या क्या हो गया, मेटल हो गया, और इस क्लास में 7 है, 7 का मतलब नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो देखिए ये जो लास्ट में 2 है, इसका मतलब इसका वैलेंसी 2 हो गया, लास्ट में 7 है तो इसको 8 होने के लिए 1 चाहिए, इसका वैलेंसी 1 हो गया। तो ए का वैलेंसी 2 बी का पास लिखना होगा, ठीक है, ए का वैलेंसी 2 बी का पास लिखेंगे, और बी का वैलेंसी 1 यहां लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए 1 बी 2, बट 1 नहीं लिखते हैं,
तो आंसर क्या हो गया ए बी टू, यह फॉर्मूला हो गया कंपाउंड का। और इसके और में दिया हुआ देखिए, या तो यह क्वेश्चन लिखिए 1 2 3 तीनों, या 1 2 3 तीनों लिखिए, या और में दिया हुआ है और में यह तीनों क्वेश्चन 1 2 3 यह तीनों लिखें, ठीक है। विच एलिमेंट हैज टू सेल बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड, दो सेल है, फर्स्ट सेल में 2 होता है पूरा फील्ड है, सेकेंड सेल में 8 होता है पूरा फील्ड है, तो 2 + 8 कितना हुआ 10, और 10 में क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन, नियन होता है, तो आंसर हो गया आपका नियन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हिच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, तो 283 मींस 13 में कौन सा आता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, तो आंसर क्या हो गया एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हिच एलिमेंट हैज टोटल ऑफ 3 सेल, 3 सेल है विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, वैलेंस वाला में कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, इसका मतलब पहला सेल में 2 पूरा फुली फिल्ड है, दूसरा सेल में 8 फुली फिल्ड है, और तीसरा में 4 है, तो 2 + 8 = 10 + 4 = 14 में कौन सा आता है, तो 14 में आता है सिलिकॉन, तो आंसर हो गया सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 25, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ एन आइडियल फ्लावर, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह फिक्स्ड है, एग्जाम में आएगा ही आपका, 99.99% चांस है इस एग्जाम में आने का। यह पेज नंबर 134 इंग्लिश मीडियम का बुक में मिल जाएगा, नहीं तो 148 हिंदी मीडियम का बुक में मिल जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्जाम में आ रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आपका। इसके और में सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रिफ्लेक्स या व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, सेम थिंग है, इसका आंसर मैंने दिया था लास्ट क्लास में जब मैं 2021 का स्पेशल एग्जामिनेशन का साइंस का क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया था, उसमें इसका आंसर दिया था, देख लीजिएगा, और इस पेपर के लास्ट में भी मैं सबका आंसर दे दूंगा, ठीक है। व्हाई रिफ्लेक्स आर्क आर डेवलप्ड इन एनिमल, एनिमल में रिफ्लेक्स आर्क क्यों डेवलप होता है, क्योंकि एनिमल जो है वो उनके अंदर में सोचने का जो शक्ति है वो अब्सेंस रहता है, बहुत स्लो होता है, ड्यू टू स्लो और अब्सेंस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, इसलिए वह अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, टू प्रोटेक्ट द बॉडी, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए उनमें रिफ्लेक्स आर्क डेवलप होता है एनिमल्स में, तो मेन आंसर क्या हुआ, टू प्रोटेक्ट द बॉडी ड्यू टू स्लो और अब्सेंस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। राइट द फंक्शन ऑफ एड्रेनल हार्मोन, ये तो सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन 27, एक्सप्लेन हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन मैन, ए 146 इंग्लिश मीडियम का बुक में और 160 हिंदी मीडियम का बुक में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ स्पेसिएशन, सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, मेंशन द वन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वी जनरेट, सबका आंसर मैं दे दूंगा लास्ट में। व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, डिस्क्राइब द ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर दे दूंगा लास्ट में। 29, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 99.99% चांस है, मेंशन वन डिसएडवांटेज ऑफ बर्निंग सच फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है, प्रदूषण होता है, ये डिसएडवांटेज हो गया, इसका लास्ट में आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन 30 सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन 31 भी सिलेबस में नहीं है, 32 का ए भी सिलेबस में नहीं है, 32 का बी नंबर देखिए, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, मीन्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन क्या होता है एड होता है प्लस होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। जैसे यह देखिए डबल बॉन्ड लिए हम, इसका मतलब क्या लिए, यह इथिन हुआ, मिथ इथ इथिन है, इसको कैटालिस्ट नाइट्रो निकल, निकल ओवर हाइड्रोजन कैटालिस्ट लिए, तो यह डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मींस यह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, ब्रेक हो गया, क्या बन गया, सेचुरेटेड बन गया, मींस इथिन था अब क्या बन गया, इथेन बन गया, ठीक है, दो डबल बॉन्ड था अब सिंगल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 4 हैंड, तो 1 2 3 4 समय हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक कार्बन का 1 2 3 4 समय हाइड्रोजन लगा दीजिए,
इसका और मैं सिलेबस में नहीं है। यह क्वेश्चन अभी देखिए, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर ब्यूटेन। ब्यूटेन C4H10 होता है, इसका दो स्ट्रक्चर होता है, एक को बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा को बोलते हैं आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। सब में H लगा दीजिए, कार्बन का चार होता है और सब में H लगा दीजिए, ठीक है। एच 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 एच, ठीक है, तो यह हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा, अगर ये एक दो तीन चार कार्बन है, ऐसे कर दें हम लोग, एक दो तीन और बीच एक कार्बन यहां नीचे लगा दे अगर हम लोग, तो चार कार्बन हुआ, ठीक है, और सब में चार लगा दीजिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसका भी कार्बन चार होगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन, ठीक है, यहां भी हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए, सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया। तो पहला हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा हो गया आइसो ब्यूटेन, मींस ब्रांच हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोल रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन मींस पेंटेन बना देना है और एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमो लगा देना है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और पेंटेन में एक क्या लगा देना है, ब्रोमो लगा देना है, ब्रोमिन। तो कार्बन का चार होता है, एक दो तीन चार, 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 समेच लगा दीजिए, तो हो गया ब्रोमो पेंटेन, समेच लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ए, गिव द नेम ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आंसर क्या हो गया, मरकरी। मरकरी जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, इसका सिंबल होता है HG, हिंदी मीडियम के लिए बता दूं पारा। 33 का बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनरल एंड ओर गिविंग वन एग्जाम्पल। मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है, तो देखिए मिनरल ओर में ये डिफरेंस है, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट, जैसे गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, ये सब क्या है, मिनरल है। और ओर क्या होता है, ओर्स आर सब्सटेंसेस दैट ऑकरिंग नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट एंड फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, ठीक है। इसको इसका एग्जांपल हो गया जैसे जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड एक ओर है और जिंक ब्लेंड से हम लोग क्या निकालते हैं, जिंक एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या बोला है, अ स्टूडेंट टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैटुला एंड हीटेड इट, ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए सल्फर लिया प्लस उसको हीट किया ऑक्सीजन में, तो क्या बन गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, रिएक्शन हो गया। दूसरा में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द गैस ऑन, ये जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, इस गैस से, इस गैस को अगर हम पास कराए ड्राई लिटमस पेपर में तो क्या हो गया, नो चेंज। ड्राई लिटमस पेपर हैज नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, मींस नो चेंज इन कलर। नंबर टू, जब हम लोग ड्राई से बाद में फिर मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ में SO2 के पास ले गए तो क्या हुआ, SO2 मॉइस्ट लिटमस मींस उसमें वाटर है, तो SO2 H2O से रिएक्शन का क्या बनाया, H2SO3, H2SO3 मींस सल्फरस एसिड बनाया, और एसिड बनाया और एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर को क्या बनाता है, रेड बनाता है, तो मॉइस्ट लिटमस पेपर विल टर्न रेड। ओके, आई होप समझ आया होगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर के क्या प्रभाव पड़ा, तो मॉइस्ट लिटमस पेपर विल टर्न रेड, या रेड हो गया, क्यों, क्योंकि एसिड बन गया था, तो एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर को ब्लू को क्या बनाता है, रेड बनाता है। यहां देखिए और दिया है, वहां या तो वो तीनों क्वेश्चन करना है, नहीं तो यह ABC यह तीनों क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो ध्यान रहे एग्जाम में देख लीजिएगा, किसी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसके और में क्या क्या है सब देख लीजिएगा, आपको पहले वाला सब आता है तो वो करिएगा, अगर पहले वाला सब नहीं आता है और वाला सारा आता है तो और वाला सारा करिएगा, ठीक है, इसलिए आंसर लिखने से पहले ध्यान दीजिएगा। नंबर ए, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन।
जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। अधातु, ठीक है, अधातु का जो ऑक्साइड होता है क्या होता है, अम्लीय। अ से अधातु, अ से अम्लीय, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप याद कर सकते हैं, अ से अधातु, अ से अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। मींस नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि मेटल कौन सा ऑक्साइड बनाता है, तो मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, नेम वन मेटल डेट फाउंड इन फ्री स्टेट, तो क्या होगा, सोना चांदी, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब एग्जांपल हो गया। गोल्ड का आंसर क्या होता है, एयू। नेक्स्ट देखिए सी नंबर, व्हाट हैपेंस व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO इज हीटेड, तो HgO को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, Hg मिलेगा और O2 मिलेगा। व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO इज हीटेड, इट इज रिड्यूस्ड टू मर्करी एंड ऑक्सीजन, या मर्करी बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा, या केमिकल रिएक्शन हो गया। नंबर डी, यू टेक एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर इन अ टेस्ट ट्यूब, नाउ डीप अ क्लीन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ऑब्जर्व द टेस्ट ट्यूब आफ्टर 20 मिनट्स। देखिए क्या हो रहा है, मेंशन द चेंज ऑफ नेल, नेल पे क्या प्रभाव पड़ा, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में उसको डीप किए थे तो क्या हो गया, द नेल बिकम्स ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर का नेल हो गया। नंबर टू, राइट द केमिकल रिएक्शन, तो नेल जो लोहा है, आयरन है Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहां के बैठ जाएगा, तो हो जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर अकेला हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिएगा, उसका और मैच दिया है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द प्रिंसिपल इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, स्टेट हाउ CO2 इज एब्जॉर्ब इन बाय प्लांट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है, इसका आंसर मैं लास्ट में दे दूंगा, ये सब देख लीजिएगा, यह तो सिलेबस में नहीं है। 35 यह डायग्राम देख लीजिएगा, ड्रॉ रे डायग्राम ऑब्जर्व वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ट इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमेशा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और डिमिनिस्ट इमेज बनता है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। ओके, यह क्वेश्चन आपका सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने HSLC एग्जामिनेशन 2017 जनरल साइंस का क्वेश्चन पर पूरी तरह से सोल्व किया हम लोग, और सारा आंसर्स को भी देखा हम लोगों ने, और अभी मैं इस क्वेश्चन पेपर का पूरा आंसर मैं दे रहा हूं लास्ट में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का पूरा आंसर दे देता हूँ। आंसर टू द क्वेश्चन पेपर ऑफ HSLC एग्जाम 2017 जनरल साइंस, अब देख लीजिए, ऐसे तो मैं सब एक्सप्लेन कर दिया हूँ, बाय चांस कोई क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ तो उसका आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, आप लोग समझ में आएगा आप लोगों को। तो ग्रुप बी यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 सिलेबस में नहीं है, 12 में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, सारे आंसर को देख लीजिए आप लोग। जो आंसर मैं छोड़ दिया था उसका आंसर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, आप आंसर देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि यहाँ जो आंसर लिखा हो इसी को आप लर्न करेंगे, आपके पास में आंसर होगा उसको भी लर्न करने से होगा। आप लोग जो पहले से लर्न करके रखे हैं उसी आंसर को रिवाइज करिए, ठीक है, आंसर का टाइप को चेंज मत करिएगा, यहाँ से समझ सकते हैं आप। आप देख सकते हैं यह जो डायग्राम दिया हुआ है इंपॉर्टेंट डायग्राम है फ्लावर का, और निचला डायग्राम तो सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन का भी आंसर मिल गया है। सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है उसका भी आंसर यहाँ दिया हुआ है, इसे भी बढ़िया आपका बुक में आंसर है। तो बाकी 27 हो गया, 28 का और
29 जो आपके सिलेबस में नहीं है उसे मत पढ़िएगा, सिलेबस के अनुसार ही आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं जो कट कर दिया हुआ नहीं चाहिए, क्वेश्चन में कट लगा दिया हूँ। तो इस तरह से 32 हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमो पेंटेन, डिफरेंस बिटवीन मिनरल और जो सिलेबस में नहीं है उसे छोड़ दीजिएगा। यह 36 सिलेबस में नहीं है, या क्वेश्चन 36 यह भी सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने HSLC एग्जामिनेशन 2017 का जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से सॉल्व किया। और आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।